यहाँ पर बहुत ही जल्द आप लोगों के आईफोन में iOS 18 का स्टेबल अपडेट है वो आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आप अनेबल कर लेंगे तो आपकी डिवाइस में iOS 18 का जो अपडेट है वो स्मूथली इंस्टॉल भी हो जाएगा, कोई भी इश्यू भी क्रिएट नहीं होगा और हो सकता है गाइस ग्रीन स्क्रीन का भी जो इश्यू है वो देखने को ना मिले। तो ये सारे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अब जो भी डिवाइस में iOS 17 का अपडेट आया था वो सभी डिवाइस में गाइस iOS 18 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट हो सकता है गाइस आपकी डिवाइस में यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग, एप्पल इंटेलिजेंस का जो नया फीचर है वो देखने को ना मिले, क्योंकि ये जो सारे फीचर है वो एक्सक्लूसिव है आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स और गाइस आईफोन 16 सीरीज के लिए। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, iOS 18 अपडेट आने से पहले आपका जो डिवाइस है उसको iOS 17 पर बैकअप कर लेना है। कैसे करना है, सिंपल सा गाइस आप यहाँ पर iCloud में जाएंगे, आपको यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं iCloud बैकअप लिखा हुआ है, सिंपल सा यहाँ पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर बैकअप नाउ बटन पर आप लोगों को टैप कर देना है। बैकअप नाउ बटन पर टैप करेंगे तो गाइस आपकी डिवाइस में जो भी सारे डेटा है वो यहाँ पर बैकअप हो जाएंगे। तो हो सकता है मान लीजिए iOS 18 पर आप अपग्रेड किए, कोई प्रॉब्लम आया तो रिवर्ट बैक आप यहां पर कर सकते हैं। आप iCloud से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मैक है तो गाइस फाइंड माई से भी कर सकते हैं, अगर विंडोज है तो iTunes से कर सकते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट मेथड है, एक ऑप्शनल भी है बट बैकअप कर लो तो आपके लिए काफी सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की गाइस, यहां पर iOS 18 का जो अपडेट है वो 17 से 18 पर स्विच होगा, यहां पर कंप्लीट अपडेट मिलेगा। तो उसकी जो साइज है वो गाइस यहां पर 6 GB से लेकर 7 GB के आसपास होगा। तो 7 GB गाइस डाउनलोड फाइल होगा और जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद गाइस आपकी डिवाइस में यहां पर करीब करीब 12 GB से लेकर 15 GB के आसपास जो आपका यहां पर डेटा है वो यहां पर स्टोर होगा। अगर आपके आईफोन में यहां पर फ्री स्पेस नहीं है तो चेक कीजिए, जनरल में जाके आईफोन स्टोरेज में जाके चेक कीजिए, अवेलेबल स्पेस गाइस यहां पर 12 GB से प्लस नहीं है तो हो सकता है गाइस आपकी डिवाइस में iOS 18 का अपडेट है वो डाउनलोड ही ना हो। तो ऐसा कोई एरर ना आए तो इसलिए गाइस जो भी सारी डेटा अनवांटेड है उसको आप ऑफलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर लो, जो करना है कर लो, फिर iOS 18 अपडेट आने के बाद उसको वापस इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद गाइस एक और सुझाव है, अगर आप iOS 18 का अपडेट देखने को मिला है और आपकी डिवाइस में यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो चार्ज होके गाइस यहाँ पर 50% होना चाहिए, यानी कि गाइस 20% 30% 40% पर अगर आप iOS 18 का अपडेट करते हैं तो हो सकता है गाइस आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत आए, यानी कि आपका अपडेट भी स्टॉप हो सकता है। यहाँ पर अगर 50% से भी ऊपर गाइस आप चार्ज रखोगे तो आपके लिए सेफ साइड रहेगा। अब यहाँ पर iOS 18 का अपडेट डाउनलोड करने के बाद हो सकता है आपका यहाँ पर आईफोन का जो बैटरी परसेंटेज है, बैटरी हेल्थ है, वो ड्रॉप हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो आपका बैटरी साइकिल है वो रिसेट हो जाएगा पर यहाँ पर पूरा नया कैलकुलेशन आ जाएगा, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी अगर आपका बैटरी ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिले तो। अब यहाँ पर गाइस हो सकता है iOS 18 का नया अपडेट डाउनलोड करो तो आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन का इश्यू, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन का भी इश्यू देखने को मिल सकता है। अब वैसा क्यों? क्योंकि गाइस अगर आपने अपने आईफोन को चार्ज में लगा के रखा हुआ है और अगर मान लीजिए आपका आईफोन का टेम्परेचर काफी हॉट हो गया है, काफी हीटअप हो गया है, तो यहाँ पर गाइस इस तरह का इश्यू देखने को मिल जाता है। जहां तक मैंने बात किया काफी सारे एप्पल क्रिएटर से तो इंडिया में ही गाइस इस तरह का जो इश्यू है वो मोस्ट ऑफ देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा गाइस आप सेटिंग में चले जाइए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में आ जाइए, ऑटोमेटिक अपडेट में आ जाइए और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक iOS अपडेट है दो बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इंस्टॉल और डाउनलोड, उन दोनों को टर्न ऑफ कर दो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अपने आईफोन को आपने चार्ज में लगाया और उन्हीं दौरान गाइस अपडेट आ गया, बाय चांस यहाँ पर इंस्टॉल भी हो गया तो हो सकता है गाइस हीटिंग की वजह से यहाँ पर आपका आईफोन डेड भी हो सकता है। तो गाइस क्या अगर आपके डिवाइस में iOS 18 का स्टेबल अपडेट आए तो फर्स्ट डे पर डाउनलोड कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल गाइस, यहाँ पर iOS 18 अपडेट आए हुए 3-4 मंथ हो गए हैं, डेवलपर और पब्लिक बीटा में काफी टाइम से इश्यू को फिक्स किया जा रहा है। अब यहाँ पर बीटा 6 पब्लिक में आ चुका है जो कि काफी स्टेबल है, तो यहाँ पर जो नया अपडेट आएगा स्टेबल वर्जन iOS 18 का सारे यूजर्स के लिए वो काफी यहाँ पर मजेदार होने वाला है। तो डेफिनेटली फर्स्ट डे पर ही इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस आने वाले दिनों में और भी iOS रिलेटेड वीडियो आप लोगों को देखने हैं तो आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे iOS रिलेटेड में आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। और अभी बहुत ही जल्द गाइस मैंने यहाँ पर iOS 18 के सीक्रेट फीचर्स बताए हैं जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो, तो डेफिनेटली ये वाला जो वीडियो है उसको चेकआउट करना, पिन सेक्शन में भी मैंने दे दिया है और गाइस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।